एक गांव में मदन, श्याम और राजू तीन भाई रहते थे। तीनों ही खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगले दिन हमेशा की तरह तीनों भाई खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। काम करते करते दोनों भाई थक जाते हैं और इधर राजू को प्यास लग जाती है। तभी मदन घरे में पानी लेकर आ जाता है और अपने दोनों भाइयों से बोलता है, भैया मैं पानी ले आया हूँ, आप लोग पानी पी लीजिए, आपको काफी प्यास लगा होगा। हाँ छोटे, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। छोटे, इस कड़ी धूप में घरे का ठंडा पानी पीने का आनंद ही आ जाता है। बड़ा भाई पानी पी लेता है, तभी श्याम बोलता है, भैया मुझे इस कड़ी धूप में काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाहर जाकर काम कर सकूं। आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं कल ही शहर चला जाता हूं और वहां काम करूंगा। यहां रोज रोज दूसरों की मजदूरी करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तब राजू बोलता है, लेकिन भाई अभी हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसा अभी कैसे दूंगा, और मालिक ने जो हमें पिछले महीने पैसे दिए थे वो पैसा भी खत्म हो चुका है। भैया मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैं इस कड़ी धूप में रोज रोज खेतों में काम नहीं कर सकता। तभी गांव का एक आदमी आता है और राजू से बोलता है, अरे राजू बेटा, क्या कल तुम मेरे खेत की जुताई कर दोगे? हाँ काका, मैं आपका खेत कल जरूर जोत दूंगा, आप आराम से घर जाइए, मैं कल सुबह ही आकर आपका खेत जोत दूंगा। मदन अब घर चलो, आज का काम तो खत्म हो गया है और शाम भी होने ही वाला है। फिर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद राजू देखता है कि उसका भाई अभी तक उदास ही है। अरे श्याम, अभी तक तुम उदासी हो, तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा शहर जाने का इंतजाम हो गया है। भैया क्या आपको सेठ ने पैसे दिए क्या? अरे नहीं श्याम, आज खेत में काम करते समय जो है ना, रामू काका आए थे, वो बोले थे कि कल हमारा खेत जुताई कर देना, फिर जो हमें रामू काका पैसे देंगे ना, उसी पैसे को लेकर तुम शहर चले जाना और वहीं काम करना। फिर सुबह होता है और दोनों भाई हल लेकर खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों भाई खेत में जुताई शुरू कर देते हैं। जुताई करने के थोड़ी देर बाद ही अचानक हल से कुछ टकराता है। ये तो पुराने जमाने का बक्सा लगता है, आखिर इसमें क्या हो सकता है? भैया आप इसे खोल कर देखिए, आखिर इसमें क्या है? अगर कोई पुराने जमाने की कीमती चीज होगा तो हमारा किस्मत ही बदल जाएगा। हाँ श्याम खोलता हूँ, जरा धीरज रखो। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या, इसमें तो केवल कागज का एक टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े पर कोई खजाने का नक्शा बना हुआ है, यह नक्शा तो हमारे गांव के पास की गुफा का है। हाँ भैया यह नक्शा तो हमारे गांव के पास की गुफा का है, उसी गुफा में खजाना छुपा हुआ है। भैया आप ऐसा कीजिए, यह नक्शा हमें दे दीजिए, मैं खजाना लेकर आता हूँ। नहीं श्याम, मैं तुम्हें यह नक्शा नहीं दे सकता हूँ, उस खतरनाक गुफा में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह खजाना मैं खुद ही खोजने जाऊंगा, खजाना मिलने के बाद में खजाना लेकर आ जाऊंगा, फिर हम तीनों भाई आपस में बांट लेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। अब तुम दोनों ऐसा करो कि घर जाओ। फिर श्याम और मदन घर की ओर जाने लगते हैं। फिर श्याम मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, भैया सारा खजाना खुद ही हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं वो खजाना खुद ही खोजूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, भैया के पीछे पीछे जाता हूँ, जिससे मुझे खजाने का पता भी चल जाएगा। अरे मदन तुम घर जाओ, हमने जो कल खेत जुताई की थी उसे हम देखकर आते हैं। ठीक है भैया आप जाइए, लेकिन हाँ शाम होने से पहले आप चल आइएगा। श्याम अपने छोटे भाई को झूठ बोलकर घर की ओर भेज देता है और श्याम खजाने वाले गुफा की ओर चल देता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद ही राजू दिख जाता है और श्याम राजू के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद श्याम चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है जिस गुफा के अंदर खजाना छुपा होता है। फिर श्याम भी राजू के पीछे पीछे गुफा के अंदर जाने लगता है।
और देखता है कि एक बाबा गुफा के अंदर है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मैं पास के गांव का राजू हूँ। मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। उस खजाने को तुम जैसे लालची लोग नहीं ले सकते हैं। नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो यहाँ से खजाना लेकर ही जाऊँगा। राजू बाबा की बात को ध्यान ना देकर खजाने की ओर बढ़ने लगता है। अरे, यहाँ पर ये दरवाजा कहाँ से आ गया? आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? फिर राजू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, इतना सारा खजाना! मैंने तो इतना सारा खजाना कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अब तो हमें जिंदगी में कोई भी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तो हम आराम की जिंदगी जिएंगे। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। अरे कोई दरवाजा खोलो! अरे मुझे कोई बचाओ! हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो! अरे कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मुझे यहाँ बचाओ! और इधर श्याम भी राजू का पीछा करते करते बाबा के पास आ जाता है। अरे बालक, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। श्याम बाबा की बातों को अनसुनी करके खजाने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक श्याम को खजाने का दरवाजा दिखाई देता है। अरे ये दरवाजा कैसा? चलो इसको खोल के देखते हैं। अरे यहाँ तो इतना सारा सोना पड़ा हुआ है। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे भैया, आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? श्याम, गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है, तो हम यहाँ से कैसे जाते? वैसे तुम यहाँ कैसे आ गया? हम तो आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। श्याम, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम दोनों फंस चुके हैं। अब हम लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे? भैया, क्या हम इसी तरह हमेशा यहाँ पर फंसे रहेंगे? फिर अगले दिन सुबह होती है और मदन को अपने दोनों भाइयों के लिए चिंता होने लगती है। अरे ये तो सुबह हो गई और दोनों भाई अभी तक आए नहीं। कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो फंस नहीं गए हैं? मुझे चलकर देखना होगा। फिर मदन अपने दोनों भाइयों को तलाश करने के लिए गुफा की ओर निकल पड़ता है। गुफा में पहुंचने के बाद मदन को वह बाबा मिलता है। बालक, क्या तुम भी उसी खजाने के लालच में यहाँ आए हो ना? तुम्हें वह खजाना नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, मुझे खजाना नहीं चाहिए। आप कौन है बाबा? मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ। बालक, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जब तुम्हें खजाने की कोई लालच नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। बाबा, मैं तो बस अपने दोनों भाइयों को ढूंढने आया हूँ। बाबा, आप मेरी मदद करो। कृपया आप बता सकते हैं खजाने का रास्ता किस तरफ है, जिससे मैं अपने भाई को ढूंढ सकूं? बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। और हाँ, अब तुम चाहो तो यहाँ से सारा खजाना ले जा सकते हो। बाबा शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपना भाई चाहिए। परंतु बालक, तुम्हें यहाँ से कुछ खजाना ले जाना होगा। यह खजाना मैं तुम्हें प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। खजाना का रास्ता उस तरफ है, तुम उधर जाओ। तुम जाओ, तुम्हारा भाई उसी खजाने के दरवाजे के पीछे मिलेगा। फिर मदन खजाने की ओर जाने लगता है। भैया, आप लोग ठीक है ना? चलो भैया, मैं आप लोगों को यहाँ से निकालने आया हूँ। लेकिन छोटे, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? दरवाजा तो बंद हो चुका है ना? नहीं भैया, दरवाजा नहीं बंद हुआ है। आप मेरे साथ चलिए। फिर तीनों भाई अपने घर की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।